Please subscribe Gandhian Quarter YouTube channel. आप सभी को सादर सेवा जोहार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे गांव में जो दिवाली त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है और किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक कल्चर को सुरक्षित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लड़कों की एक फुल आज़ादी रहता है कि अपने मन पसंद अपना एक दोस्त बना सकता है, अपना एक संबंध स्थापित कर सकता है, वहाँ की तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही पहले से ही तय रहता है कि कौन आपको क्या लगे। और किस तरीके से हमारे गांव में गाय को भोजन खिलाना और किस तरीके से जो मौनी रखते हैं उसका प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। सगाजन साथियों, हमारे आदिवासी कम्युनिटी में दिवाली बनाने की जो शुरुआत होता है वो गाय को भोजन खिलाने से एक दिन पहले। जिस दिन दिए जलाते हैं तो सभी लोग अपने खेरे दाई अपने बड़े देव पेन थाना के नाम से दिए जलाते हैं। इसके पश्चात हमारे ग्राम के जो बड़ा देव थाना होता है, पेन थाना होता है, खेरे दाई होता है, उस स्थान पर पहुँच करके सभी गाँव के सियाने व बुजुर्ग लोग एकत्रित होते हैं। हमारे बैगा भोंका जी को भी बुलाया जाता है और यादव परिवार से भी आते हैं। और सबसे पहले हमारे गांव के पेंठाना को जगाया जाता है, खिलेदाई को जगाया जाता है और अपने समस्त सत्य को भी जगाया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक घर में जाते हैं और उस घर में जो भी शक्तियाँ होती है, जो भी उस घर में चीज़ें होती है, उन सभी को जगाया जाता है। ऐसे ही पूरे ग्राम के अंदर जितने भी घर होते हैं सभी घरों में जाके यादव परिवार के माध्यम से और उस गांव के जो सियाने बुजुर्ग होते हैं उन सभी की सहमति और योगदान से सभी के घर में जा कर के यह हुई का जोहार देते हुए, यह हुई का नारा देते हुए सभी घरों को, सभी शक्तियों को जगाया जाता है। और यही है हमारे गांव के दिवाली त्यौहार परंपरा का पहला स्टेप और पहला कदम। इसके बाद और क्या क्या परंपरा है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, आप आगे इस वीडियो में बने रहिए, आप सभी को वो भी देखने को मिलेगा। सगाजन साथियों, हमारे दिवाली त्यौहार का ये पहला कदम है जिसमें अपने घर से हम शुरुआत करते हैं और एक चूही माटी यानी सफ़ेद मिट्टी से पुताई करके और कलश जला करके और उसमें केले के पत्ते को बिछा करके और जो भी घर में भोज पदार्थ बनता है, दाल चावल सब्जी पूड़ी बड़ा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके और गाय को, गाय के बकायदे मुंह धुला करके और हल्दी चावल का टीका लगा करके और उन्हें भोजन कराया जाता है, खिलाया जाता है। इसके बाद सभी लोग गाय को इकट्ठा करते हैं जहाँ पे मौनी निफा जाता है। तो आप आगे वीडियो बने रहिए, हम आपको उन सभी का प्रोसेस भी दिखाएंगे। सगाजन साथियों, हम अब निकल रहे हैं अपने घर से, देख पा रही है हमारा घर है, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या है। यहाँ से हम अपने घर से निकल चुके हैं, ये हमारा गांव है, देख पा रहे हैं इस पॉइंट का व्यू है और यहाँ से ये पूर्व दिशा में कुछ तरीके दिख रहा है। आज हमारे गांव के काफ़ी लोग जो है जहाँ पे मौनी नखते हैं उस तरफ सभी लोग जा रहे हैं, गाय वाय सभी लोग चले गए हैं। साथियों, आज का वीडियो जो है कुछ ब्लॉग टाइप का है, हमारे माताएँ बहनों भी ये सब उस तरफ जा रहा है जहाँ पे दोस्त लोग मौनी रखते हैं, देख पा रहे हैं। यह है हमारे गांव का एक चौराहा जहाँ पे दुकान लगा हुआ है। दिस व्यूज, ये हमारे फ्रेंड लोग, कुछ भाई लोग हैं और हमारे भतीजे भी हैं। हम आपको सारा आज चीज़ दिखाएंगे कि हमारे गांव में दिवाली त्यौहार कैसे मनाते हैं। ये हमारे काका हैं पुत्र है जो कि दुकान मालिक है, ये दोनों दोस्त हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनका पूरा यहाँ पे किराना सामान है और काम पे अच्छा चल रहा है। हम आगे आपको भी और दिखाएंगे। आज दाई थोड़ी पास, ये सारे गाय जो बंधा हुआ है सभी जाएंगे और जो मौनी चराते हैं गाय को पूरा लेके जाते हैं। देख पा रहे हैं हमारे गाँव की छोटी छोटी बच्चियाँ अभी यहाँ पे आ रहे हैं। देख पा रहे हैं हमारे बहनें जो है यहाँ पे थाले में माला फूल और कलश लेकर के आ रहे हैं जो कि मौनी चराते हैं उनके लिए है। और हमारे यहाँ पे दीदी लोग भी हैं, देख पा रहे हैं ये सभी लोग जो मौनी चराते हैं और मौनी निफेंगे उन सभी लोगों को
देखने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा व्यूज है और आगे की जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है तिहार का, वो चीज़ें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये हमारे गांव के व्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे जो राई है ना, जो सरसों का तेल निकलता है, वो चीज़ें यहाँ पे बुआई किया गया है। और ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमारे गांव का इस तरफ तालाब है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मौनी चराने चराते हैं, मौनी निपते हैं, उसी स्थान पर हम पहुँच रहे हैं। देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे माताएं, बहनें और महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सब देखने के लिए है, और यहाँ पे अपना अभिवादन करते हुए जय सेवा जय जोहार का बहुत। आगे का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सारे मोहल्ले का जो गाय है वहाँ पे एकत्रित हो चुका है, और यहाँ से जो है अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जो आज तक जब से ये पेड़ लगे हैं आज तक इन पेड़ों को कभी काटा नहीं गया है, क्योंकि ये हमारा एक बड़ा देव का एक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। ये है हमारा व्यूज, और इस स्थान पे जहाँ पे सफाई फाई चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। आगे देख पा रहे हैं पूरे मोहल्ले का जो गाय है वो सारे एकत्रित हो चुके हैं, सभी का आएगा, सभी का आएगा। हाय कर दे भाई हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, सादर सेवा जोहार। सेवा जोहार। वेलकम वेलकम। हमारे मामा साहब के पहले अकेले हम ना। हाय कर दे यार, सेवा जोहार, सेवा जोहार। फाइनली सगाजन साथियों, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका हमें इंतजार था। अब यहाँ पे एक बछिया का चुनाव करके और जोड़ा दोस्त जो है इस बछिया के नीचे से निफते हैं, जिसे हम मौनी नकना कहते हैं, और यहीं से एक मित्र का एक दोस्त का संबंध स्थापित होता है, और ये प्रक्रिया प्रत्येक जोड़े को 12 साल तक करना होता है। अभी ये फर्स्ट टाइम है, इस बार 5 राउंडिंग यहाँ पे मौनी निफेंगे, इसके बाद जो गाय को वापस शाम को लाया जाता है तो 2 राउंडिंग उस टाइम पे भी निफते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रक्रिया किया जाता है, और आप देख पा रहे हैं यह है हमारे गांव का देवारी तिहार, जो कि आदिवासी परंपराओं में सम्मिलित है अभी तक और चलता आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो कुछ हमारे गांव मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे गांव के सियाने और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये सभी लोग इसमें भागीदार लेते हैं, सभी लोग अपना योगदान और सहमति जताते हैं। इस तरीके से हमारे गांव का दिवाली त्यौहार को मनाया जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा वीडियो की जो स्पीड है उसे बढ़ा दिए हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे और आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाए। यह है हमारे गांव का दिवाली त्यौहार, और बड़े खुशहाली के साथ बड़ी परंपराओं को निभाते हुए इस तरीके से दिवाली त्यौहार को मनाते हैं। सगजन साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब प्रत्येक जोड़े जो है मौनी निफने के बाद खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इनका 5 राउंडिंग हो चुका है, और यहाँ पे अब ये लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पूरे गांव मोहल्ले के गाय को एकत्रित किया गया है, और ये सभी जोड़े दोस्त यहाँ से जाएंगे और गाय को एकत्रित करके चारागाह की ओर उन्हें चराने के लिए ले जाएंगे। तो सभी अपनी तैयारी बना रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे अभी 2 जोड़ा अभी भी राउंडिंग लगा रहे हैं, क्योंकि ये पीछे आए थे और इनका अभी 5 राउंडिंग नहीं हुआ है, तो अपनी राउंडिंग पूरे करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बाकी आप देख पा रहे हैं सभी दोस्त जो है अपनी तैयारी बना करके आगे बढ़ते हुए एकत्रित गायों को चरागाह की ओर दोस्त के साथ चराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जोड़े दोस्त जो है गाय को चरागाह की ओर ले जा रहे हैं चराने के लिए, तो फुल तैयारी हो चुका है, और ये यहाँ पे सभी लोग आगे बढ़ते हुए।
सगाजन साथी जो हमारे बड़ा देव फड़फेन स्थल है वहाँ पे लगे जो बहुत सालों साल पुराने पेड़ के नीचे होते हुए यहाँ पे सभी गायों को चारागाह की ओर प्रत्येक जोड़े ले जा रहे हैं उन्हें चराने के लिए। और यहाँ पे कुछ हमारे गांव के लोग भाई बहनें भी उपस्थित हैं जो देख रहे हैं इस नज़ारे को। धीरे धीरे बड़ा देव फड़ाफेन स्थल को पार करते हुए अब शाम को इसी रास्ते फिर से लाया जाएगा सभी गायों को, और दो राउंडिंग लगाने के पश्चात इनका इस साल का कार्यकाल दोनों दोस्तों का पूरा हो जाएगा। ये हमारे गांव के कुछ दोस्त लोग जो कि दिवाली त्यौहार का फुल आनंद लेते हुए, और धीरे धीरे सभी गाय अपने चारागाह की ओर आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे कुछ हमारे गांव के और हमारे दादाजी जो कि कैमरे के सामने आ रहे हैं। मजे ले, हंस हंस दे। हेलो कहिए, हाय कहिए, ये न करो। सगजन साथी ये उस पल का नज़ारा है जब शाम को सभी गायों को वापस ला करके दो राउंडिंग लगा चुके हैं, और इसके पश्चात जो है सात राउंडिंग जो है उस बच्चे के गले से राउंडिंग नारियल अगरबत्ती और जो सांठ होता है उसको घुमाते हुए सभी दोस्त, इसके पश्चात जो कलश जल रहा है प्रत्येक दोस्त की बहनों द्वारा कलश लाया गया है उनके सभी के कलशों में कुछ रुपये दिए जाते हैं अपने इच्छा अनुसार, तो ये सभी प्रक्रिया सभी दोस्त निभाएंगे और जब अपने बड़ा देव फड़ाफेन में जाके नारियल फोड़ेंगे और सभी को प्रसाद भी वितरित किया जाता है, और जो भी अपने पूर्वजे और अपने बड़े होते हैं सभी से जय सेवा जय जोहार जय फड़ाफेन का अभिवादन करते हैं और फिर अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद घर में जाने के पश्चात जो है वहाँ पर भोज पदार्थ के लिए ने सभी फड़ाफेन खीरेदाई सभी शक्तियों को सकला कांदा होता है और बड़ा जो भी दाल चावल बनता है घर में वो चीज़ें चढ़ाया जाता है, और इसके बाद वो खुद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे गांव के जो दिवाली त्यौहार है अपने परंपराओं को लेते हुए समापन होता है।